गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? आज 15 अगस्त और मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो भाई अभी तो आ चुके हैं हम खेत में फवारा मारने के लिए, क्योंकि आज थी छुट्टी और छुट्टी का दिन हम जाया नहीं कर सकते थे, क्योंकि भाई खेत में बहुत काम पड़े, एक एक काम निपटाना भी होगा और हमें अपनी जॉब भी देखनी होगी, इसलिए आ गए। और आप सोच रहे होंगे भाई आपका चैनल तो डेली व्लॉगता है और इतने दिन बाद क्यों व्लॉगर है? तो नहीं, जम ही नहीं रहा था भाई वो व्लॉग बनाना, आपको डिटेल में बताएंगे। फिलहाल तो अभी हाथ गए फुहारा मारने के लिए, अभी औषध वगैरह तैयार करते और मार देते हैं यहाँ पर फुहारा। ये देखो हमारी परटी है, ये ऐसी है। अभी फुहारा मारना बहुत इम्पोर्टेंट है भाई अभी इस वक्त। तो आज का छुट्टी का दिन है तो जितना हो सके उतना मारते हैं। तो बने रहिएगा इस व्लॉग में, चलो करते अपना वर्क। दोस्तों इस खेत का तो पूरा फवारा हो चुका है, तो अब चलते हैं दूसरे खेत में, वहाँ पर मारना है फवारा। और जो ऊपर के दोन डूंगे रह गए ना वो रह गया, तो वो कल मारना पड़ेगा, क्योंकि उसकी पराठी छोटी छोटी है और आज हमारे पास है बड़ा पंप, तो औषध थोड़ा सा ज़्यादा वेस्ट है चुका है, इसलिए अब जाते हैं दूसरे खेत में, वहाँ पर मार लेते, रह गया वो कल मारे। चलो तो दोस्तों इस खेत का भी फवारा कम्प्लीट हो चुका है, तो अब निकलते घर के लिए, 1 बज गया अभी, जाते हैं अभी नहा धो के फ्रेश होते, देखते हैं अगर टाइम मिलेगा तो और आएंगे खेत में, और जो 2 एकड़ बचा है वो भी मार देंगे अगर टाइम मिलेगा तो, नहीं तो फिर हो गया आज का शेड्यूल, बहुत सारा फवारा मारना हो गया। तो चलो चलते अब घर पहले। दोस्तों अभी तो आ चुके थे खेत में 3 बजे, तो अभी 1-2 पंप हो चुके, पापा मार रहे फवारा। ये देखो क्योंकि ये छोटा पंप है ना, छोटे पंप से हमें नहीं जमता। और ये देखो यहाँ से बादल भी आ चुके, तो देखते हैं भाई कितना फवारा हो पाता है पानी आने से पहले। दोस्तों अभी तो बैठे थे यहाँ पर और बादल आ रहे, बारिश आ रही है, धूप आ रही है, तीनों एक साथ चल रहा है भाई। ये देखो अभी यहाँ से मतलब यहाँ तक बादल चले गए, अभी थोड़ी सी बारिश भी आ गई थी, टिम 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 टिम। ये देखो थोड़ा सा झाड़ गिला है और अभी धूप भी आ गई है, खतरनाक माहौल। लेकिन भाई इस साल बहुत कम बारिश हुई है, पता नहीं यार ड्रॉट कंडीशन निर्माण होगी क्या तो इस साल। और ये हमारी पराठी ऐसी है भाई, बहुत छोटी छोटी है भाई पराठी, और बहुत खंडने भी हुआ है इसमें। इस साल बहुत पराठी लगाई ना, तो खंडने भरने को टाइम ही नहीं मिला, पराठी लगाते गए लगाते, लगाने में 1 हफ्ता चला गया, और फिर लगाने के बाद फवारा मारने में भरने का टाइम ही नहीं मिला। कोई नहीं, जितनी उतनी हम केयर करेंगे और अच्छे से ग्रो करेंगे। तो अभी तो मार रहे पापा फुहारा, हम बैठे यहाँ पर। वो देखो हमारा काम है आज सिर्फ पानी देना, अभी जब बड़ा पंप होता है तब हम मारते और तब पापा पानी देते, अभी हमारा काम है। तो चलो करते फुहारा कंप्लीट। दोस्तों अभी तो चल रहा है इस खेत में लास्ट वाले खेत में फुहारा मारना, ये देखो। लेकिन भाई धूप कड़क है, पता नहीं कितना असर हो पाएगा फुहारे का, क्योंकि टेम्परेचर नॉर्मल चाहिए। लेकिन क्या करें, दोपहर को आए थे तब बादल थे, अभी वो धूप है, लेकिन कंप्लीट तो करना पड़ेगा भाई, क्योंकि हर टाइम हमें वक्त नहीं रहता, कल से हमारी ड्यूटी को जाना पड़ेगा, इसलिए अभी मारना चालू रखा है। तो अभी लास्ट पंप है लास्ट, ये देखो पापा मार रहे, अभी औषध वगैरह ला लेते यहाँ पर, ख़त्म लास्ट पंप होने के बाद। खतरनाक भाई औषध ऐसे थोड़ा सा भी मुँह पर लग गया ना भाई, इतना झूमता है ना, खतरनाक। वो ऐसे चेहरे की बहुत आग हो रही है। तो फिलहाल तो औषध ला लेते, लास्ट पंप मारते और फिर निकलते घर के लिए। चल दोस्तों पूरा फवारा हो चुका है, तो पहला कीटकनाशक का फवारा पूरे खेत में हो चुका है, तो अब चलते घर नहा धो के फ्रेश होते, एक टेंशन दूर भाई। अब सिर्फ वखरना रह गया और तन्नाशक का फवारा रह गया, तन्नाशक तो पानी आने के बाद ही मारना पड़ेगा, फिलहाल तो पानी कुछ नहीं है। देखो तन कितना बढ़ गया, लेकिन अभी मारेंगे तो कोई फायदा भी नहीं, जब पानी आएगा तभी मारेंगे। तो अभी 2 काम ही रह गए, वखरना और तन्नाशक का फवारा मारना, बाकी खाद देना और फवारा मारना कीटकनाशक का, वो तो कम्प्लीट हो चुका। तो चलो चलते घर। दोस्तों फवारा मार के तो आ गए थे घर और नहा धो के पूरे रेडी हो चुके, फ्रेश हो चुके, लेकिन भाई मुँह ऐसा जल रहा है ना उस मतलब फुहारे की वजह से, एक दो बार हाथ लगाया होगा हमने फुहारे के टाइम, इतना जल रहा है, इतना जल रहा है,
पूरा मुंह जल रहा है, पूरा मुंह जल रहा है, हमने इतना साबुन से धोया फिर भी जल रहा है भाई, पता नहीं अब क्या करें। बर्फ़ बनी है हमारे पास, हमने जस्ट अभी रखा है बर्फ़ बनाने के लिए, लेकिन समय लगेगा, रात को तैयार होगा वो बर्फ़ बन के, क्या करें अब समझ नहीं आ रहा, पूरा ऐसा मुंह जल रहा है। तो ये तो हो गई अब आज की बात फवारे की। और हाँ भाई, इतने दिन से आप सोच रहे होंगे कि व्लॉग क्यों नहीं आ रहे, हमारा तो डेली व्लॉग का चैनल था, तो भाई हमने कोशिश की, एक दिन नहीं बना, दो दिन नहीं बना, फिर हमने सोचा यार बनाएंगे तो बनाएंगे क्या, क्योंकि हम दररोज सुबह घर से स्टार्ट करते थे, फिर जब किसान से मिलते थे तब थोड़ा सा एक दो शूट, मतलब एक दो व्लॉग के कंटेंट हो जाते थे, लेकिन फिर दुकान में जाते थे तो फिर कभी याद नहीं रहता था, कभी बना नहीं सकते थे, ऐसा होता था। फिर हमने सोचा कि यार क्या करेंगे, क्या बनाएंगे, क्या दिखाएंगे लोगों को, यही सब हमें मतलब समझ नहीं आ रहा था कि क्या दिखाए डेली व्लॉग में, हम यहाँ से वहाँ जा रहे, हम वहाँ से आ जा रहे, ऐसा ही दिखाया गया, क्योंकि यार बीच में तो हम बना नहीं सकते थे, इसलिए हम बहुत डिप्रेस हो गए थे और नहीं बना पाए 10 दिनों को। फाइनली आज बना पाए, क्योंकि आज की थी छुट्टी, आज का था 15 अगस्त, अपना इंडिपेंडेंस डे था इसलिए छुट्टी थी, तो इसलिए आज का वीडियो बना पाए। रविवार कभी नहीं बना पाए, क्योंकि रविवार को दिन भर हमने मारा था फवारा खेत में। तो ये अभी सिचुएशन आ गई है, ये देखो अभी 1 साल होने को आया है, 22 अगस्त को 1 साल होगा डेली व्लॉग के चैनल को, लेकिन भाई नहीं कर पाए हम, 360 के ऊपर तो वीडियो हो गए, लेकिन हमने जो वादा किया था हम खुद से वो नहीं कर पाए डेली व्लॉग कंटिन्यू, क्या करें अब यार, सिचुएशन बेकार सिचुएशन है जॉब की वजह से, समझ नहीं आता कि यार क्या होगा लाइफ का, लाइफ में हमारा क्योंकि यार मजबूरी की वजह से जॉब करनी पड़ी, और जॉब करते समय हम व्लॉग नहीं बना सकते। चलो छोड़ो, तो हमने डिसाइड किया है कि डेली व्लॉग तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन हाँ अगर हम कहीं जाते हैं तो वो व्लॉग ज़रूर बना के डालेंगे, कहीं मतलब स्पेशल जगह पर कहीं अगर जाते हैं, या फिर हम दररोज भी जाते तो कभी अगर कंटेंट मिलता है तो हम ज़रूर बनाएंगे और इस व्लॉग के चैनल पर डाला करेंगे, लेकिन डेली व्लॉग तो पॉसिबल नहीं होगा अब। क्या डेली व्लॉग के नाम से चैनल खोला था, लेकिन यार क्या करें अब हो ही नहीं रहा, ठीक है, लेकिन कोशिश करेंगे हम, जब भी कंटेंट मिलता है तो बनाने का फुल ट्राई करेंगे, लेकिन अगर नहीं बनता है तो फिर तो क्या ही करें। तो फिलहाल तो अभी रात होने वाली है, तो इस व्लॉग को ही एंड कर देते भाई, इस मुंह का क्या करें समझ नहीं आ रहा, इतना जल रहा है ना, पूरा फेस ऐसा जल रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं, फवारे की वजह से खतरनाक फवारा होता है। तो फिलहाल तो इस व्लॉग को ही एंड कर देते, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, मिलते जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए।